तुला राशि के स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से वर्ष 2021 का दिसंबर का महीना सकारात्मक फल लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी। आपके लगन भाव के स्वामी शुक्र पर शनि देव की दृष्टि इस पूरे ही महीने आपका रोग और बीमारियों से बचाव करेगी। हालांकि आपकी राशि में सूर्य और बुध की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि 2021 के इस महीने के दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, परंतु पांचवें घर में गुरु बृहस्पति का होने और आपको इस अवधि के दौरान थोड़ा सुस्त कर सकता है, जिससे आपके वजन में बढ़ोतरी संभव है। वहीं दूसरे भाव में मंगल स्थिति के दौरान आपको नियमित रूप से पानी का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो इन छोटी छोटी समस्याओं को छोड़कर स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना तुला राशि के लिए अच्छा ही रहने वाला है। और दिसंबर मास में यदि आपके कैरियर राशि फल के बारे में बात करें तो 10 दिसंबर से तुला राशि के लगन भाव के स्वामी शुक्र की उपस्थिति चतुर भाव में होगी। इसके साथ ही वो आपके कैरियर और कार्य क्षेत्र के भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे आपको सफल परिणाम प्रदान होंगे। इसके बाद सूर्य के साथ तीसरे भाव में बुध देव भी अपना गोचर करते हुए आपकी संवाद शैली को मजबूत और अधिक कार्य करेंगे। इससे आप अपने अधीन कार्य कर रहे हैं कर्मियों से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। साल के अंतिम माह में आप अधिक संगठित और संचित होंगे, क्योंकि मंगल की उपस्थिति आपके साधनों के भाव में होने से आपको अपने कार्यस्थल पर हर संसाधन और उपकरण का उत्तम प्रयोग करने में समक्ष बनाएंगे, जिससे आपकी उत्पादकता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपको भाग्य का भरपूर सहयोग भी मिलेगा और आप शुभ फल प्राप्त करते हुए सफलता व पुरस्कार की प्राप्ति करेंगे। इस समय आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा, प्रोत्साहन और पदोन्नति हासिल करते हुए अपने कैरियर में वृद्धि कर सकेंगे। ग्रहों की शुभ दृष्टि दर्शा रही है कि दिसंबर के महीने में आप अपनी सभी बाधाओं को दूर कर अपने शत्रुओं पर भी आसानी से विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कैरियर और कार्य क्षेत्र के लिए यह महीना उत्तम रहेगा, परंतु आपके लगन भाव के स्वामी की चतुर्भाव में उपस्थिति बीच बीच में आपको अपने आराम के क्षेत्र तक भी सीमित कर सकती है। ऐसे में अपनी स्थिति में सुधार करें, अन्यथा आपको बहुत से शुभ अवसरों का उचित लाभ उठाने से वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए हर मौके का उचित लाभ उठाने के लिए इस महीने के दौरान कार्यों के प्रति खुद को अधिक केंद्रित रखें। और यदि हम दिसंबर मास 2021 में आपके प्रेम संबंध, विवाह संबंध और व्यक्तिगत संबंध राशिफल के बारे में बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए यह महीना तुला राशि के जातकों को मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण फल देने वाला है। आपके छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति की पंचम भाव में और आपके पंचम भाव के स्वामी शनि का आपके बारहवें भाव में उपस्थित होना प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने प्रियतम को अधिक सलाह मशवरा देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप दोनों के रिश्ते प्रभावित होंगे और साथी के साथ आपकी तकरार भी संभव है, क्योंकि इस दौरान सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इसलिए आप अपने साथी से अधिक उम्मीद और अपेक्षा रख सकते हैं। इससे आपके स्वभाव में पूर्णतावादी सोच भी उत्पन्न होगी और रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए प्रेमी संग अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए आपको अपनी इस
प्रवृत्ति को सुधारने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। सिंगल जातकों के लिए समय थोड़ा अधिक जोखिम भरा सिद्ध होगा, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे के कारण वे जोखिम लेने से थोड़ा बच सकते हैं, जिसका असर उनके रिश्तों पर भविष्य में पड़ेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति स्वयं से अष्टम भाव में होगी, जो दर्शा रहे हैं कि आपका जीवन साथी अपने दम पाते जीवन की सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह कर सकेंगे। यह स्थिति आपके माता पिता और ससुराल पक्ष के लिए भी उत्तम रहेगी। हालांकि बीच बीच में आशंका है कि जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता और मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकती है, परंतु बावजूद इसके कुल मिलाकर कहें तो प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना आपको मिले जुले फल देने वाला है। तुला राशि वालों, आपको दिसंबर मास में सलाह दी जाती है कि भगवान परशुराम के अवतार की कथाओं को पढ़ें या सुने, क्योंकि उनका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अपनी जेब में कुछ इलायची के दाने रखें और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने से पहले उन्हें चबाएं। देवी लक्ष्मी की स्थिति में श्री सूतम का पाठ करें और नियमित रूप से देवी कल्याणी की पूजा। शुक्रवार के दिन को स्फटिक माला पहने, इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये था दिसंबर मास 2021 का बिल्कुल सत्य और सटीक राशिफल। मित्रों, यदि आपको हमारा बताया हुआ राशिफल सत्य लगे, अच्छा लगे, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मित्रों, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नमस्कार। फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद जय भारत। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना ये मेरी राशि होती है। आई एम जयंत शर्मा, प्रेजेंटली मेरी करीब 81 ईयर्स की एज है मेरे समय। आई एम रनिंग 81 जी। और इतना ज्ञान आपको उसके बारे में है, मैं समझ नहीं सकता कहाँ से है। मैं एक्चुअली वैसे तो बिलोंग करता हूँ राजस्थान का, कोटा से जी, पर बड़ौदा के अंदर मैं सेटल हो गया हूँ। मैं यहाँ पर इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट में यहाँ पर से रिटायर हुआ हूँ। 20 सालों का रिटायर हुआ है। मैं चीफ ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सेफ्टी का हेड था यहाँ का, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन। यहीं से रिटायर हुआ, मुझे 20 साल रिटायरमेंट करीब हो गए सर। क्या नाम? और मेरा नाम है जय नारायण शर्मा। अच्छा, तो मैं आज भी देखा, मैंने कल एक्चुअली गलत नंबर नोट कर लिया था। मैंने आज भी नंबर करेक्ट किया, मैंने 9599252139 चेंज किया मैंने जी। तो मैं खाली आपको धन्यवाद दे दूं और मैं बहुत आपको आभारी हूं। आपका ज्ञान, मेरे ख्याल से ऐसा ज्ञान मैं नहीं समझता कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा देखा होगा, ऐसा नहीं है सर। चलो ठीक है। तो अभी जगह देखिए, अभी क्या है, कभी कभी उधर दिल्ली में मेरी भतीजी देती है, पर कभी देखो उधर कुछ हुआ कभी आने जाने का, अभी कभी कोरोना टाइम में मूवमेंट कम होता है जी। तो अभी कभी आगे होगा तो फिर मैं आपका फोन पर संपर्क करूंगा। मैं आपको किसी हमारे रिश्तेदारों को भी मैं संपर्क करने के लिए आपको बोल दूंगा। ठीक है सर? ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप कभी गुजरात पधारे तो फिर मैं आपको जरूर अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, जय नारायण शर्मा। मैं बड़ौदा रहता हूँ गुजरात में जी। जी, कभी आप, कभी आपका भ्रमण हो गुजरात में कभी, तो ये आई एम श्योर आप कभी गुजरात आए होंगे कि नहीं आए सर? नहीं नहीं अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं। तो गुजरात एक भ्रमण करने लायक जगह है, जहाँ सोमनाथ है, द्वारका सब जा सकते हैं जी। जी, तो उसमें आपका जब कभी आप बाई रोड आएंगे तो फिर ये एरिया से आएंगे, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो भी आप बड़ौदा से होकर निकलेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत नहीं, जब भी गुजरात आएंगे तो आपको याद करेंगे। याद करेंगे और जरूर आप हो तो आप जरूर मेरे घर पे ठहर भी सकते हैं सर। ठीक है, जय नारायण शर्मा, बड़ौदा रहता हूँ मैं। और आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। सेव कर लीजिए, जय नारायण शर्मा मेरा नाम है जी। जी। और हाँ, और मैं बड़ौदा में रहता हूँ और यहीं पे सेटल हो गया हूँ मैं। बेसिकली मैं बताया, मैं आई बिलोंग टू कोटा जी। जी, आपके ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मुझे क्या, मैं आपको बताऊँ कि आज के 60 साल पहले वहाँ पर सक्सेना करके थे कोटा के अंदर है जी, सहदेव सक्सेना वो। और आपको, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। तो
कि 60 साल पहले मेरे को जो चीजें लिख के दी थी आज भी मेरे रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। उस जमाने मुझे उन्होंने बोला था कि आप 5 दफा विदेश जाएंगे, 5 से 6 दफा, और वही 5 से 6 दफा मेरा विदेश जाना हुआ कंपनी की तरफ से। मतलब पूरा वेस्टर्न पार्ट, पूरा चाहे इटली कहें या फ्रांस कहें या अमेरिका कहें, लंदन कहें, सब जगह पर मतलब मेरा भ्रमण। सहदेव सक्सेना ने आज वो हम सोच भी, मैं कोटा में था और बीएससी पढ़ता था, कोई सोच सकता है क्या नाम भाई बीएससी पढ़ रहे वाला लड़का मतलब आगे जाके ऐसी जगहों पर पहुंच जाऊंगा कि मतलब मुझे विदेशों का कंपनी तरफ से भेजा जाएगा। सो 8-7-8 दफा मेरे को विदेश जाने का चांस मिला था सर। वो सहदेव सक्सेना ने वो टाइम पे लिखा था, उन्होंने ये भी लिख दिया था मेरे को कि कौन कौन से साल आपके अच्छे होंगे, कौन कौन से साल में आपकी तरक्की होगी। तो ये ज्योतिष शास्त्र का मुझे एक तो उनका और दूसरा मैंने आपका जो सुना है तो मुझे इसका विश्वास हुआ है कि ये एक साइंस अवेलेबल है, ये एक साइंस है, ये फालतू की चीज नहीं है। ये बिल्कुल ज्योतिष तो अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन कुछ लोगों ने इनको ज्ञान नहीं है, उनकी वजह से कुछ लोगों को अंधविश्वास लगता है, गलत लगता है। नहीं नहीं मैं अपने मैं ऐसा नहीं, और भी ऐसे काफी लोगों के संपर्क में आया हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, पर अभी रिसेंटली मतलब आपका मैंने सुन के मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अब कभी कभी दिल्ली विल्ली कभी आना हुआ तो फिर बाद में फिर दर्शन करेंगे और मैं अपने कोई अपने रिलेटिव मिलने जुलने वालों को आपके बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। आपके लिए और आपके लिए मेरा बड़ौदा के अंदर आप पधारिए, मेरे यहाँ से रुक के जाइए, ठीक है सर? बिल्कुल, जब भी आएंगे आपको याद करेंगे सबसे पहले, इन्विटेशन है आपके। ठीक है जी। तो पंडित जी आपका क्या मतलब सही करते हैं सारा ऑपरेशन क्या इसका होता? हाँ सारे तो करते हैं, घर से करते हैं ना सर? बिल्कुल हाँ जी, ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.